कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले राष्ट्रवाद के लिए नहीं हो सकती खड़ी। गांव गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उस पर वोट बैंक की राजनीति करने के कारण राष्ट्रवाद के लिए खड़े न होने का आरोप लगाया। फरीदाबाद के पास्ते गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म किए जा सके ताकि क्षेत्र को देश का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। शाह ने कहा कि मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा और अन्य कई दलों ने इस कदम का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्रवाद के मुद्दे के लिए खड़े न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस से अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। शाह ने आरोप लगाया कि वे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें सत्ता और वोट बैंक पसंद है। गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से पाकिस्तान कश्मीरी युवकों को गुमराह करता था और हथियार देता था। जम्मू कश्मीर में 1990 से अभी तक 40,000 से अधिक लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं।